अभी मॉर्निंग का 8 बजा है, मैंने सफाई यहाँ पे कर ली है। ये पूजा होगी यहाँ पर भगवान। स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज कोई गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन से इंडोर प्लांट्स को अपने रूम के अंदर आप रख सकते हैं और किस और इन पौधों को कितनी नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट की ज़रूरत है और किस तरह से मैं अपने इंडोर प्लांट्स को डेकोरेशन में इस्तेमाल करती हूँ, कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है, बहुत सारे टिप्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्लांट्स के ऊपर साथ। तो आज मैं कर रही हूँ अपने बेटी के रूम की क्लीनिंग। इसे मैं सजाऊंगी नेचुरल प्लांट से। काफ़ी दिन से ये रूम बंद पड़ा था और बेटी यहाँ पे नहीं रहती है, कभी कभी घर पे आती है। तो आज वो आने वाली थी, मैंने देखा यहाँ पर जो भी मैंने पौधे लगाए थे यानी पानी में लगाए थे, गर्मी है, पानी सूखने के बाद वो प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो मैं क्योंकि इस बीच में गई थी कहीं बाहर, इनमें मैं पानी दे नहीं पाई, इसी वजह से ये प्लांट यहाँ पे ख़राब हो गए। तो मैं आज यहाँ पे बहुत सारे और प्लांट ऐड करूँगी। किसी भी जगह में इंडोर प्लांट लगाने से बहुत ही कूल सा इफ़ेक्ट आता है, तो इसीलिए इस रूम को क्लीन भी करूँगी। रूम का डेकोरेशन मैं रियल इंडोर प्लांट से करूँगी, नेचुरल प्लांट मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो देखिए इधर भी बॉटल में मेरे मनी प्लांट लगे थे, तो कई दिन से ये बंद रहा रूम, मैं भी घर में नहीं थी तो प्लांट सूख गए हैं। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ और मॉपिंग करूँगी। उसके बाद मैं डेकोरेशन के बाद आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में। मैं पहले इस कमरे में कर लेती हूँ क्लीनिंग। बहुत सारी डस्ट यहाँ पे है। ये बेटी जो है दिल्ली से आ रही है, 1-2 घंटे में वो पहुँच जाएगी। अभी 8 बजे है, वो बेटी पहुँचेगी 11 बजे तक। 11 बजे तक मुझे पूरा काम करना है, पूरा रूम साफ़ करना है और ब्रेकफास्ट बनाना है। तो पहले करती हूँ फटाफट से मैं यहाँ की क्लीनिंग, उसके बाद नहाऊँगी और पूजा, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो और आपको दिखाऊंगी भी यहाँ पर कौन कौन से पौधे मैं लगा रही हूँ। आपको अगर मेरा डेली रूटीन देखना है, मैं किस तरह से अपने सारे प्लांट्स की केयर करती हूँ, तो किस तरह से अपने सारे घर के काम मैनेज करती हूँ, तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हो गया यहाँ पर सफाई का काम खत्म, नहाना हो गया, सफाई हो गई और पूजा होगी। ब्रेकफास्ट की मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। इस रूम को सजाया है मैंने टोटली इंडोर प्लांट से। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से पौधे मैंने यहाँ पे रखे हैं, इतनी रोशनी आती है, प्रॉपर दिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आने वाली है बेटी कुछ देर में, आपको मिलवाऊंगी भी। उससे पहले आपको कराती हूँ इस रूम का टूर। अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट कीजिएगा आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो यह है मेरी बेटी का बेडरूम। तो देखिए कुछ इस तरह से है ये रूम। अंदर चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको। काफ़ी सारे प्लांट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। जो भी चीज़ें वॉल पे लगी हैं पहले से लगी हैं, यहाँ पर मैंने बस सफाई की है और इंडोर प्लांट ऐड किए हैं। जो भी पौधे यहाँ पे लगे हैं उनका पानी चेंज कर दिया है और उनकी जो भी रूट ख़राब हो रही थी उन्हें मैंने साफ़ कर दिया और फिर इस तरह से लगा दिए हैं। वीक में मैं एक बार इन सभी पौधों का पानी चेंज करती हूँ। डोर से एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से है ड्रेसिंग टेबल। उसी के दोनों तरफ इस तरह के सेल्फ रखे हैं जिनमें कुछ बुक्स रखी हैं मैंने और कुछ लगा दिए हैं प्लांट्स, जिससे इस बुक सेल्फ पे जान सी आ गई है। तो देखिए DIY बॉटल है, 3-4 साल पहले मैंने बनाई थी। सूखी बॉटल में मैंने सूखी पत्तियां चिपका दी हैं और उसके बाद इसमें फेरी लाइट डाल दी है और ऊपर एक मनी प्लांट लगा दिया जिसे मैंने जैम की खाली बॉटल में लगाया है। बहुत अच्छे से रूटिंग भी इसमें हुई है। बॉटल से मैं पहले से ही प्लांट्स से आज सिर्फ प्लांट्स को धोया है और उनका पानी चेंज किया है, स्प्रे कर दिया है सभी प्लांट्स पे। मैंने जो भी सामान ड्रेसिंग टेबल पे बिखरा था उसे मैंने मैनेज कर दिया है, इस तरह से एक ट्रे में लगा दिया है।
दोनों बॉटल में लगा दिया है सिंगोनियम, और यहाँ भी एक प्लांट रख दिया, ये है फिलोडेंड्रन, जिसे जैम की एक पुरानी बॉटल में लगाया है। रूटिंग दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से रूट हुई हैं। इसे मैंने अपनी बालकनी में लगाया था, इसी पॉट में लगाया था, और आज मैंने इसे अंदर रख दिया है। शेडेड एरिया में था, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, सब चीज़ों को साथ में लगा भी दिया है। थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ किस तरह से ये ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है। काफ़ी दिन बाद मेरी बेटी आ रही है, तो मुझे लगा शायद उसे काफ़ी खुशी होगी इसे देख के। और इस वॉल को उसी ने सजाया है खुद से, और ये पेंटिंग जो है मेरी बेटी ने खुद से बनाई है। दो जो बड़ी पेंटिंग जो दो हैं ये उसने नहीं बनाई है, और छोटे छोटे पीस जो हैं सब उसी ने बनाए हैं यहाँ पे। और एक ड्रीम कैचर लगा दिया है। ये प्लांट जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल है, ये काफ़ी दिन से यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल रियल सा लुक देता है और कॉस्टली भी है थोड़ा। तो देखिए इधर विंडो है, विंडो को जैसे ही हम कर्टेन हटाएंगे तो पूरी धूप अंदर पड़ती है। यह विंडो का एक कॉर्नर सेल्फ लगा दिया है, जिसमें एक पेंटिंग रखी है और कुछ बुक्स और एक सिंगोनियम का पॉट, एक मनी प्लांट। तो इधर ड्रीम कैचर, तो इस तरह से हैं ये छोटी छोटी पेंटिंग्स, जिससे ये वॉल काफ़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि समर सीजन है। ग्रीन वॉल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये DIY पॉट देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, ये आप सोच नहीं सकते क्या है ये। तो ये है बॉटल ग्राउट, यानी लौकी सूखी हुई राउंड शेप में जो होती है। मैं अपनी मम्मी के घर से इसे लेके आई थी, बहुत सुंदर दिखाई देता है पॉट इसका। तो ये रियल है, इसमें कोई भी कलर नहीं किया है, बस फूल लगा दिए ऊपर से। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। लास्ट ईयर मैंने अपने होम टूर का एक वीडियो डाला था, जिसमें बहुत सारे कॉमेंट आए थे, काफ़ी बड़ा घर है कैसे मैनेज करती हैं आप, डेली रूटीन अपना शेयर कीजिए। या कुछ कमेंट ये भी थे, अपना किचन टूर करवाइए क्या। बहुत सारे पौधे होने की वजह से मैं डेली रूटीन अपना दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये है विंडो के दूसरी तरफ का कॉर्नर लगाई है, एक मनी प्लांट हैंग कर दिया है विंडो में, और एक सेल्फ लिया है, ये ऑनलाइन परचेज किया था, उसी में कुछ प्लांट लगा दिए हैं। इधर ये छोटी सी बॉटल में वॉन्डरिंग जू की कटिंग डाल दी है, क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ती है शाम के समय की, इसीलिए ये कटिंग अच्छे से यहाँ पे चल रही है। उसके बाद बीच वाले पॉट में मैंने सेंसिफेरिया की ड्वार्फ वैरायटी डाल दी है, और ये है मनी प्लांट जो विंडो पे हैंग किया है, ये सॉइल में लगा हुआ है। और इधर कॉर्नर में मैंने ये डेवल्स बैकबोन का प्लांट लगा दिया है, इंडोर प्लांट नहीं है पर मैंने रखा है एक महीने के लिए, उसके बाद मैं इसे चेंज कर दूंगी, बाहर रख दूंगी बालकनी में। इस तरह से प्लांट सर्वाइव भी करते हैं, और घर के अंदर आप उन्हें कुछ टाइम के लिए रख सकते हो। पहले मैंने इस कॉर्नर में स्नेक प्लांट लगाया था, उसे मैंने कुछ दिनों के लिए बाहर रखा है, उसी की जगह में इसे रख दिया है। इस तरह से रोटेशन करने से हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। ये हैं कुछ छोटी छोटी पेंटिंग, जिन्हें इस तरह से पिन की सहायता से लगा दिया है, ये भी मेरी बेटी ने ही बनाई है। और ये भी पेंटिंग हैं जिन्हें मेरी बेटी ने ही बनाया है। इस रूम के डेकोरेशन के लिए बहुत कम चीज़ें ही मार्केट से ली हैं, इसीलिए मैंने इस रूम का टूर आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इस रूम में लगी हुई मोस्टली चीज़ें हैंडमेड हैं। पूरे रूम को हमने सजाया है खुद से बनाई हुई चीज़ों से, इसीलिए इधर मिरर स्टिक कर दिया है। रोशनी पूरी है इस रूम में, इसीलिए प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं इधर। अगर मैं सॉइल में भी प्लांट यहाँ लगाऊं तो वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं। अब बेड के दोनों तरफ मैंने पहले दो सेंसिवेरिया के प्लांट रखे थे, जिन्हें मैंने कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया है। आज मैंने यहाँ पर रख दिया है सिंगोनियम का प्लांट।
उसके बाद यहाँ पे लगा दिया है एक लैंप, उसी के साथ कुछ स्टोन में पेंट किया है उन्हें रख दिया है साथ में, और एक रख दिया है कैंडल स्टैंड। तो कुछ इस तरह से बेड साइड वाली वॉल दिखाई देती है। तो लीजिए जी, बेटी भी आ चुकी है, अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। ये दिल्ली में पढ़ती है और कभी कभी ही घर में आना होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डेकोर से रिलेटेड वीडियो या फिर डेली ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।